क्या है जनसुराज अभियान का मुख्य उद्देश्य, क्या जनसुराज अगला विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ेगी, क्या प्रशांत किशोर बिहार के लिए एक दूरदर्शी नेता साबित हो सकते हैं, क्या जनसुराज के माध्यम से अच्छे लोग आएंगे राजनीति में, क्या जनसुराज के विजन के अनुसार बिहार अगले 10 सालों में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है, क्या जनसुराज में सभी वर्गों को संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मिलेगी, क्या जनसुराज में महिलाओं को उचित भागीदारी मिलेगी, जनसुराज बिहार के बाकी दलों से कैसे अलग होगा। इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे बिहार में राजनीति परिवर्तन की कोशिश में लगे जनसुराज अभियान के झंझारपुर अनुमंडल अध्यक्ष दीपक पोद्दार से। सबसे पहले दीपक जी आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी नमस्कार और आपके डिजिटल माध्यम से चौथा स्तंभ जो आपका सोशल मीडिया डिजिटल माध्यम से जो जितने भी हमारे आपके व्यूवर्स हैं उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दीपक जी हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जनसुराज है क्या। जैसे कि नाम से ही पता चलता है जनसुराज, जन मतलब जनता और सुराज मतलब सुंदर राज, जनता के लिए जो सुंदर राज की परिकल्पना आदरणीय प्रशांत किशोर जी के द्वारा की जा रही है इसी के लिए इसके उद्देश्य के लिए इसका नाम जनसुराज तय किया गया है। जनसुराज का मुख्य उद्देश्य, जनसुराज का मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी बिहार में अभी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो आप राष्ट्रीय पार्टी देख रहे हो और क्षेत्रीय पार्टी, उनसे बेहतर विकल्प देना, जनता के बीच में सुयोग्य उम्मीदवार देना, ताकि आपके जन आपके बीच के लोग, कर्मठ लोग, ईमानदार लोग यदि सक्रिय राजनीति में सहभागिता लेते हैं तो बिहार की उन्नति होगी, प्रगति होगी। जैसा कि प्रशांत जी ने घोषणा किया है कि आगामी 2 अक्टूबर को जनसुराज बिहार में एक नई राजनीतिक दल के रूप में आएगी, तो क्या अगला विधानसभा चुनाव जनसुराज लड़ेगी। जी विगत लगभग 18-19 महीनों से आदरणीय प्रशांत किशोर जी का पदयात्रा चल रहा है जो 2 अक्टूबर 2022 को प्रारंभ की गई थी और 2 वर्ष अभी होने वाले हैं 2 अक्टूबर को, तो एक पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श करके 2 अक्टूबर को एक तिथि तय की गई है जिस तिथि के अनुसार जितने भी बिहार के पदाधिकारी हैं और जो भी समर इनके संस्थापक सदस्य हैं उनके साथ विशाल रूप से एक जगह इकट्ठा होकर जनसुराज पार्टी की विधिवत घोषणा की जाएगी, चुनाव लड़ेगी। जी गठबंधन में या फिर अकेले। प्रशांत किशोर जी का ऐसा मानना है कि बिहार विधानसभा में 243 सीट हैं तो 242 नहीं 243 के 243 पे बिना किसी के साथ गठबंधन, और उनका एक उद्देश्य और भी है और उन्होंने कहा भी है कि हम न चुनाव से पहले गठबंधन करेंगे और न हम चुनाव के बाद गठबंधन करेंगे, तो इसका मतलब है कि 243 मतलब 243 सीट पर ये चुनाव 2025 विधानसभा में लड़ने जा रहे हैं। आप युवा हैं और काफ़ी समय से राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हैं, क्या आपको लगता है कि जनसुराज में अच्छे लोग, जनसुराज के माध्यम से आप जैसे लोग जनसुराज से जुड़कर राजनीति में आने वाले हैं। जी पेशे से मैं कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क डिप्लोमा इंजीनियरिंग करके अपना संस्थान चलाया करता था, हमेशा युवाओं के बीच रहा, लेकिन गनीमत ये रहा कि 15 वर्षों तक मैंने शिक्षण प्रशिक्षण का काम दिया जो कोरोना में समाप्त हुआ, लेकिन इन बीचों में हमारे यहाँ से सालाना हजारों छात्र पास होके जाते थे लेकिन पूरे बिहार में कहीं भी रोज़गार उन्हें नहीं मिल पाता था, मतलब ये कह सकते हैं कि एक टेक्निकल ट्रेंड युवाओं को भी 10,000 रुपये की नौकरी बिहार में नहीं मिली, ये बहुत बड़ा, और 10,000-12,000 रुपये की नौकरी के लिए वो दिल्ली जा रहा है, मुंबई जा रहा है, महाराष्ट्र के कई शहरों में जा रहा है, गुजरात के कई शहरों में जा रहा है, और आप ये देख रहे हैं कि बहुत सारे जगहों पे जो बिहार के द्वारा मजदूरों की फैक्ट्री इवन आप बिहार को कह सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे मजदूर क्रिएट किए जाते हैं, मजदूरों को लॉन्च किया जाता है दूसरों शहरों के दूसरे। बिहार की दुर्दशा के लिए यहाँ की राजनीतिक पार्टियां जिम्मेवार है, आप मानते हैं? जी राजनीति पार्टी के साथ साथ यहाँ के लोगों में भी खामियां हैं, जब आपको चुनाव जनसुराज
इन अभी तक की जो पार्टियां हैं जो बिहार में शासन कर चुकी है और रूलिंग में वर्तमान में है, उससे जनसुराज किस तरह अलग होगी? जी, जनसुराज अभी इनका तीन मोटो है, जिसमें पहला मोटो है कि जब जनसुराज जीत के आती है तो सबसे पहले जो पहला काम किया जाएगा वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का व्यवस्था किया जाएगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का व्यवस्था है कि बच्चा का नर्सरी से लेकर ग्रेजुएट तक एक ऐसा शिक्षा व्यवस्था जो उसको स्कूल में जाए तो अच्छा ब्रेंच डेस्क, उसको जितना भी उसका टेक्निकल जो होना चाहिए आज के युग के हिसाब से स्मार्ट क्लासेस, उसके बाद अच्छा सिलेबस, ताकि वो औरों के साथ कंपटीशन में बैठ सके। ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण की व्यवस्था बिहार में की जाएगी। दूसरा है कि 10 से 12 हज़ार रुपये का नौकरी पंचायत वाइज, मतलब उनका टारगेट है कि कम से कम 700 से 1200 युवाओं को पंचायत स्तर पर नौकरी दी जाए। और तीसरा है कि जो भी प्रौढ़ हैं, जो 400 रुपया अभी पेंशन मिलता है, वो भी पेंशन आप सुनते होंगे 6 महीना या 1 साल पे मिल रहा है, तो 400 रुपया में क्या होने जा रहा है? तो इनका है कि कम से कम जब जनसुराज पार्टी आएगी तो कम से कम हम लोग 2000 रुपया पेंशनधारी को निर्गत करवाएंगे। जो पहली व्यवस्था है शिक्षा में सुधार और जन रोजगार और सामाजिक कल्याण, इन तीन मुद्दों पर फोकस है जनसुराज की, जो बता रही है कि ये अन्य पार्टियों से अलग है उनका विचार। जी, मुझे लगता भी है कि यहाँ आदरणीय प्रशांत किशोर जी का जो अपना अनुभव रहा है 10 वर्षों तक यूएन यूनाइटेड नेशन जो विकसित राष्ट्रों में आती है और विकसित राष्ट्र में वो काम करके आए हैं और सामाजिक सोशल वर्क में काम करके आए हैं, तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ का जो विकसित राष्ट्र में काम करके आए वहाँ की जो परिवेश है वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उनसे वो अवगत है। और बिहार को कैसे डेवलप किया जा सका ये पूरा फुल खाका वो खींच के आए। प्रशांत किशोर जी को एक दूरदर्शी, अभी तो नेता बने नहीं है, अभी तो वो सोशल वर्क में है और एज एक व्यवसाय भी है, ठीक है, तो आप उन्हें एक दूरदर्शी नेता मानते हैं? जी, मैं उन्हें दूरदर्शी नेता इसलिए मानता हूँ, आप गौर कीजिएगा 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी को लॉन्च किया गया था एज ए प्रधानमंत्री, तो उससे पहले ऐसा कहा जा रहा था कि भाजपा में अटल बिहारी वाजपेयी के बाद कोई ऐसा नेता पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को क्यों लॉन्च किया गया था? गुजरात मॉडल उन्होंने गुजरात में करके दिखाया। अभी तक मैं मानता हूं कि उन्होंने उसी विकास को पूरे देश के जनताओं ने देखा, तो पूरे देश के जनताओं ने देखा तो उन्हें लगा कि नहीं, जो गुजरात का विकास कर सकते हैं वो पूरे भारत का विकास करते हैं। तो मुझे लगता है और लोगों को भी लग रहा है कि जो प्रशांत किशोर औरों को जीत दिलाते आ रहे हैं, हर एक राज्य कम से कम 8-9 राज्यों में उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, पहली बार नरेंद्र मोदी जी के लिए उन्होंने कैंपेनिंग कराया, उनको भी प्रधानमंत्री बनने में उनकी सहभागिता रही, तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर में वो काबिलियत है, वो हुनर है, जो हम जैसे युवाओं को, बहुत सारे सक्रिय कार्यकर्ताओं को साथ लेकर बिहार के नक्शा को बदलने में सक्षम हूँ। बिहार में जातिवाद राजनीति में सबसे बड़ा फैक्टर रहा है, जातिवाद को लेकर जो आपकी जनसुराज नई पार्टी बनने जा रही है, चुनाव में किस तरह से इसे हैंडल करने वाले हैं? प्रशांत किशोर जी, सॉरी, आदरणीय प्रशांत किशोर जी का मानना है कि जाति तो हर एक राज्य में है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, ये बातें चुनाव के समय में ज़्यादा सामने आ जाती है, लेकिन उनका मानना है कि हर एक जाति में अच्छे लोग हैं, तो हम किसी भी जाति से अच्छे प्रतिनिधि को लाते हैं तो अपने जाति का तो विकास करेंगे ही करेंगे, साथ में सभी को साथ लेके चलेंगे, ये उनका मानना है। और आदरणीय प्रशांत किशोर जी इसी पे काम भी कर रहे हैं, उनका मानना है कि हर एक वर्गों को उचित सम्मान मिले, जिसके पीछे टीम काम भी कर रही है। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है चुनाव में वो है महिला, युवा, महिलाओं को लेकर किस तरह की, और नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन का काम किया है बिहार में, पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए है, बड़ी भूमिका रही है महिलाओं की हर चुनाव में, महिलाओं को लेकर किस तरह की योजना है? महिलाओं को निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जी आगे बढ़ाएंगे, और उनका एक सोच है कि बिहार विकास करेगा तो लगभग आधी आबादी महिलाओं की भी है, जिसमें बहुत सारे शिक्षित महिलाएं भी हैं, तो उन्हें भी सम्मान मिलना चाहिए। और उनका जो
सोच है कि जब हम टिकट का बंटवारा करेंगे आने वाले 2025 या जो भी आगामी चुनाव जब आ जाए, तो उनका मानना है कि हर एक लोकसभा स्तर पे, जितने भी बिहार में 40 लोकसभा है, तो कम से कम हर एक लोकसभा क्षेत्र से कम एक महिला तो निश्चित रूप से, और यदि उनकी संख्या 2-4-5 बढ़ भी जाती है तो निश्चित रूप से, और आप सुने होंगे या देखे होंगे कि इतनी मात्रा में किसी पार्टी ने आज तक टिकट नहीं दिया। 243 विधानसभा है जिसमें 40 महिलाओं को एक साथ टिकट देना, ये पहली बार आपको जनसुराज में देखने को मिलेगा। प्रति गंभीर है, उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए विकास में। जी, अभी प्रशांत, आदरणीय प्रशांत किशोर जी का जो टीम काम कर रहा है, जो टीम संगठन को देख रहा है, जो टीम उनके विचारों को लोगों तक घर घर पहुंचा रहा है, तो उनके टीम में अभी से ही 50% आबादी महिलाओं की है, युवाओं युवतियों की है, युवाओं की है, मैं तो अभी से देख रहा हूँ। जो प्राथमिक सदस्य बनाए गए हैं उसमें 50% महिलाएं शामिल हैं जनसुराज में? नहीं, अभी महिलाएं शामिल हो रही हैं, लेकिन जो टीम काम कर रही है, जो टीम मैनेजमेंट को देख रही है, जो टीम लोगों को जोड़ रही है, उस टीम में हर एक जिला में 50% महिलाएं इनके टीम में है, जो लोगों को, महिलाओं को लेकर एक अच्छी सोच रखते हैं प्रशांत जी। बहुत ही पॉजिटिव सोच है, विकसित राष्ट्र में काम करके आए हैं, वहाँ तो लेडीज एंड जेंट्स कोई बीच में रहा ही नहीं उनके लिए, तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात भी नहीं है, और ऐसा उनके दिमाग में भी नहीं, उनके दिमाग में है कि जिसमें भी सामर्थ्य है वो आगे आके काम करे, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, या जो भी युवतियाँ हो। इसलिए आगे भी हम आपसे बातचीत करेंगे जब ये पार्टियाँ पूर्ण रूप से राजनीतिक दल का दर्जा लेकर आएगी सामने में, फिर हम आपसे बात करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप सभी को भी बहुत बहुत नमस्कार।